बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक के बाद एक कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें हवालात पहुंचाया गया है, तो वहीं एक बार फिर से एक और भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल इस बार ड्रग इंस्पेक्टर पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसा है। ड्रग इंस्पेक्टर की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई, जो कि सीतामढ़ी में पद स्थापित है। तो वहीं पटना के शेखपुरा दुर्गा आश्रम गली स्थित ड्रग इंस्पेक्टर के आवास पर छापेमारी की गई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि छापेमारी में सोने की कटोरी, चांदी का गिलास और नकद बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान विदेशी रकम भी बरामद किया गया है। सोने के कई जेवरात समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं, तो वहीं बैंक डिटेल और जमीनी कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग के DSP मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ड्रग इंस्पेक्टर है सीतामढ़ी में पदस्थापित नवीन कुमार। नवीन कुमार के विरुद्ध शिकायत मिला था कि रिश्वत की राशि मांग रहे हैं, तो आज सुबह में कार्रवाई करते हुए निगरानी के टीम के द्वारा नवीन कुमार के सीतामढ़ी स्थित किराए के मकान से उनको रिश्वत की राशि 2 लाख रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसी कार्रवाई के आलोक में पटना स्थित उनके इस मकान पर सर्च की कार्रवाई की जा रही, तलाशी की कार्रवाई की जा रही है और प्रक्रिया जारी है। अभी आपके सामने जो भी मिला है इस घर से उसका एवेल्युएशन हो रहा, मूल्यांकन हो रहा है और फाइनली बताया जाएगा क्या सब मिला है। रिश्वत लेने की राशि के बारे में शिकायत आई थी, उसका सत्यापन प्रॉपरली कराया गया और सत्यापन में सही पाए जाने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम के द्वारा उनको रंगे हाथ अरेस्ट किया गया है। तो उसी के आलोक में, उसी प्रक्रिया के आलोक में इनका जो है पटना स्थित आवास, ये उन्हीं का आवास है नवीन कुमार का, जो कि अभी सीतामढ़ी में पदस्थापित, तो उनका उनके आवास की तलाशी की जाए। सीतामढ़ी की कार्रवाई और पटना की। दवा व्यवसायी मुकेश कुमार और विनोद कुमार से ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने 2 लाख से भी ज्यादा घूस की मांग की थी, तो वहीं जैसे ही दोनों दवा व्यवसायी पैसे लेकर ड्रग इंस्पेक्टर के पास पहुंचे, वैसे ही विजिलेंस की टीम ने उन्हें धर दबोचा। तो वहीं विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।